आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। कोटद्वार में भाजपा प्रत्याशी ऋतु भूषण खंडूरी के राज्यसभा सांसद अनिल बबूनी ने कहा है कि ऋतु जी के पक्ष में भीड़ को देखते हुए 2005 का चुनाव याद दिला दिया। वहीं राज्यसभा सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बारे में भी कहा है कि वीसी खंडूरी की तरह ऋतु खंडूरी ऊर्जावान नेता है। कोटद्वार के दो निधि मिलेंगे, एक राज्यसभा की और दूसरी विधायक निधि की ओर। जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें स्पष्टता से दिख रहा है उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तराखंड की जनता ने यह तय कर लिया है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया कि विकास की यही गति चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने यह भी तय कर लिया है कि अगला दशक उत्तराखंड का हो। इसलिए पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड में सारे लोगों ने तय किया कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में हम सब उत्तराखंड के अंदर विकास को। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ इस समय जनता के द्वार पहुंचकर वोट के लिए अपील कर रहे हैं। जहां खानपुर विधानसभा को त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, वहीं आरजेपी के प्रत्याशी मुनेश कुमार ने सभी राजनीतिक समीकरण बदल दिए। इस समय की जान से क्षेत्र की जनता के पास पहुंचकर वोट मांग रहे। इसी क्रम में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपने बीच का स्थानीय प्रत्याशी चुनने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का भरपूर प्यार व सहयोग मिल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है खानपुर विधानसभा 32 से आरजेडी के भावी उम्मीदवार मुनेश कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरे हैं? मेरे मुद्दे बहुत हैं। मैं यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ तो मुझे सब पता है कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो विकास तो कुछ हुआ नहीं है, खाली लॉलीपॉप दिया गया है आज तक। तो उस लॉलीपॉप को हटाना है और अगर हमारी जनता ने हमको प्यार दिया तो हमको स्थायी काम करवाने हैं, रोजगार का काम करवाना है, जो आज तक जो है 15-20 साल से जो है नहीं हुआ। केवल एक फैक्ट्री हमारी खेड़ी मुबारकपुर के गांव में जेके टायर लगी थी, बिरला टायर पहले उसका नाम था, केवल वही रोजगार के रूप में है। और बाकी जो है हमारे बच्चे जो है टायरों में ट्यूब डाल के फिर रहे हैं 6-6 हज़ार में। तो वो हम चाहेंगे कि सिरगुल की स्थापना करवाएं और मेडिकल की जो बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, मेडिकल की सुविधा देहरादून, मुजफ्फरनगर या रुड़की में भी कोई खास नहीं है। तो मैं चाहूँगा एक बड़ा हॉस्पिटल हमारे खानपुर विधानसभा में बनाया जाए और उसके लिए मैं, अगर मुझे जनता ने प्यार दिया तो अपनी विधानसभा में जाकर भरसक प्रयास करके बनवाएंगे, ही बनवाएंगे। जैसा कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, आपको जनता का कैसा प्यार मिल रहा है और आप जीत के बारे में क्या कहेंगे? जनता का ये है कि अगर मैं 100 घर में जाता हूँ तो 100 में से 95 जो घर हैं वो कहते हैं कि इस बार हमारा घर का भाई आ गया है, अब हम बाहर को वोट नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ खानपुर विधानसभा 32 से भावी उम्मीदवार मुनेश कुमार जी, जो कि अपनी जीत का प्रबल दावा करते हैं स्थानीय नागरिक होने की वजह से। लक्षण से प्राइम टीवी के लिए रजनीश सैनी की रिपोर्ट। कलर विधानसभा के ग्राम माजरी में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। सैनी समाज के लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा है। सैनी समाज के लोगों ने विधायक फुरकान अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इसी बीच लोगों ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराएगा। वहीं भाजपा कार्यकर्ता रविकांत सैनी ने कलियर भाजपा मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। वहीं कलियर विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कार्यकाल में कलियर विधानसभा में एक समान रूप से सभी वर्गों का समुचित विकास कार्य किया है। और आश्वासन दिया कि अब जो आपको पहले वोट मिलते थे उससे कई गुना ज्यादा गुमावाला माजरी से वोट मिलेंगे। और मुझे उम्मीद भी है क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं और सब ने एक रह जगह कि आप लोगों ने हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में काम किया, इसलिए हम आपका समर्थन करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट इस गुमाला माजी से कांग्रेस को दिलाएंगे। हाँ, ये तो भाजपा के हैं, भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा चाहे कुछ करे ना करे, कोई विकास कार्य करे ना करे,
पर हमें भाजपा को ही वोट देना था, ये मैं जुड़ा हुआ था। अच्छा, पिछले हम अगर 5 साल की बात करें, हमसे कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार है, विकास करेगी। उत्तराखंड में भी चुनाव तापमान चरम पर है। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के नवाबगढ़ मुस्लिम समाज और भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव में 0 सीट क्यों मिली। जो पार्टी कहती है हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनको जनता चुनाव में क्यों 0 देती है। उत्तराखंड में भी जाति के नाम पर कांग्रेस पार्टी लोगों को बांटने लड़ाने का काम कर रही है। आगे उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से इस चुनाव में देश का विकास और सुरक्षा के लिए वोट देने की अपील की है। विकासनगर में मुन्ना सिंह चौहान जी को यहां के लोग वोट देंगे, बेहतरीन सभा हुई है। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव जीतेगी। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, बीच में कौन कमाल कर लिया जो उनको पसंद करेंगे लोग। काम तो किया है बीजेपी ने, आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार फिर से उत्तराखंड में बनेगी। जब कोरोना काल था तो सबसे ज़्यादा चिंता किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज उत्तराखंड जो तरक्की के रास्ते पर है, विकास के रास्ते पर है, इसको इसके विकास के पथ पर चलते हुए उत्तराखंड को दुनिया की कोई ताकत रोक। रुड़की में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने कई कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों से जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता वेल्टेक वल्लभ ने भाजपा प्रत्याशी का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। वहीं वेद्य टेक वल्लभ ने कहा कि भाजपा का नारा कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप बत्रा जी द्वारा आज नगर में भ्रमण करते हुए इधर हमारे बाजार में अनाज मंडी और पहाड़ी बाजार सोत मोहल्ले में उनका भ्रमण हुआ, मछी मोहल्ले में तक भ्रमण हुआ और हमारे प्रतिष्ठान पर भी पधारे। हमने उनका स्वागत किया, हमने उन्हें समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देते हुए समर्थन दे दिया था उनको और अब हम उनके साथ कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर आज हमारे प्रतिष्ठान पर उनका स्वागत किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बाज़ार में जिस तरह के उनको वातावरण मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो सभी सर्व समाज का उन्हें समर्थन मिल रहा है, जिसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो मिशन 2022 है वो 60 का लक्ष्य है भाजपा का। 60 सीटें पूरी आने वाली हैं और रुड़की के भी अपने ऋषिकेश में नंदिनी फाउंडेशन पिछले कई सालों से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं। इस बार नंदिनी फाउंडेशन ने 5 निर्धन बेटियों के विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया है। विवाह करवाने के साथ ही फाउंडेशन की ओर से सभी दूल्हा दुल्हनों को उपहार के तौर पर फर्नीचर भी भेंट किए गए। वहीं विवाह कार्यक्रम के दौरान कई सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सेवकों ने भी अपनी ओर से राशि भेंट की है। अच्छा कार्य शुरू हुआ है नंदिनी फाउंडेशन के द्वारा, तो इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती रहें तो एक जो लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उन लोगों को बहुत मदद इस चीज़ से मिल जाती है। तो हम लोग भी इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं जिनमें कि हम मदद करने की कोशिश करते हैं। इस बार भरत मंदिर ट्रस्ट के द्वारा नंदिनी फाउंडेशन की स्थापना की गई है, बहुत अच्छी शुरुआत है। तो कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। एक पहल करी है और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही चलती रहे और जो कुछ इस फाउंडेशन से हो पाएगा पूरी कोशिश करेंगे। जब तक हम हैं फिर ये बच्चे हैं, ये इसको इसी तरह आगे चलाएंगे। एक तरीके से इन लोगों के लिए एक लेसन है, हम लोग जो इनको एक रास्ता दिखा रहे हैं। नंदिनी फाउंडेशन की तरफ से है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर साल जितनी गरीब कन्याएं हैं उनकी मदद कर सके और ऐसा कुछ भी इनिशिएटिव ले सके जिसमें गरीब उनका कुछ भला हो। पिरानकलियर दरगाह में पंजाब के आए जायरीनों के जत्थे ने चादर चढ़ाई। बता दें कि जत्थेदारों ने दरगाह में नोटों की चादर पेश कर प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान पंजाब से आए विक्की प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वर्ष में कलियर आने का मौका मिलता है हम अपने लोगों के साथ मिलकर कलियर हाजिरी पेश करने आते हैं और हम 80 लोगों के साथ कलियर पहुंचे। जो मनोकामना लेके आते हैं हर एक साल पूरी होती है तो आगे आते रहेंगे। सर कितने लोगों का जत्था पहुंचा है आपके? यहाँ 80 लोगों का जत्था ही। आप लोग भी कितने वर्षों से आ रहे हैं?
हम तो 14 साल हो गई। आप भी 14 वर्षों से। लंगर कितने दिन से जारी है आपका? लंगर 4 दिन 3 तारीख से जारी था। हमें आते हुए यहाँ 14 साल हो गए। हम 4 दिन के लिए आते हैं। लंगर 4 दिन चलते हैं और सभी साहब की इमाम साहब की चादर चलती है नोटों की। वो चादर होती है 70,000 रुपये की और खुशी खुशी आते हैं जो देते हैं ऊपर वाले तो खुशी खुशी आते हैं। लंगर कितने दिनों से जारी है? लंगर 4 दिन से चालू है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रचार में उत्तरी उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने बॉलीवुड सूफी गायक कैलाश खेर की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर गाए गीत को ALD के माध्यम से लॉन्च किया। इस दौरान उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हरीश रावत का विधायक बनना बहुत जरूरी है। उनके मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। साथ ही पूर्व में हरीश रावत की सरकार में लोक कलाकारों के लिए एक नीति बनाई गई थी जिसमें लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिल रहा है। बोल यही कि उत्तराखंड की है यही आवाज हरीश रावत अब की बार जन जन की यही आवाज हरीश रावत अब की बार तुमको लागू रहो की गीता बोलल है आप सब को पता लागू रहो की पहाड़ एक उत्तराखंड एक और जन जन का सिर्फ एक आवाज और ऊंच सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत। चुनावी दौर छो और सोशल मीडिया आजाल सब पे हाई चल रहो तो सोशल मीडिया में अगर यो गीत जहाँ रहो और आज विमोचन ले है चुगो तो मैं और मेरे सब दगड़ी पूर्व उम्मीद करनी कि माननीय हरीश रावत जी को हम अपन क्षेत्र लाल कुआं पे चुनू और उनको अपन मुख्यमंत्री बन। आगामी चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट पर है। चुनाव के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंडे ने आज विकासखंड पौड़ी की कलजीखाल ब्लॉक के पास पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि समस्त बूथों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान उन्होंने शौचालय विद्युत पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित BLO से मतदाताओं की जानकारी ली। भाजपा कांग्रेस से नाराज मतदाता अब तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड रजन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपको बता दें वही ऋषिकेश विधानसभा की जनता कनक को बेहतर तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। लोगों का कहना है कि प्रत्याशी युवा सोच और युवा जोश के साथ मैदान में है। मेरा नाम शिल्पा महाजन है। हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कांग्रेस और BJP को, पर कांग्रेस और BJP के राज में हमें कोई बदलाव नज़र नहीं आया है। आने वाले समय में हम बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव तभी आएगा जब एक युवा नेता हमारे क्षेत्र में आएगा, जिसमें मैं कनक धनाई जी को देखती हूँ। मैं कनक धनाई जी का फुल सपोर्ट भी करती हूँ, मेरा वोट भी उन्हीं के लिए है और मैं अपने युवा पीढ़ी के लोगों से यही आशा करती हूँ कि वो भी उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें वोट करें। हमारे जो साथ के जो जितने भी युवा हैं तो हम चाहते हैं इस बार कि आने वाले समय में जो है परिवर्तन हो। और सर, जैसे कि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस और BJP को हम वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी लोगों की समस्याएँ हैं वो बनी की बनी हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में इस बार क्या नाम है, परिवर्तन हो और किसी ऐसे युवा को लेकर के आए जो आज की जनरेशन के हैं, जो हमारे कनक धनाई जी इतने समय से हमारे लिए बने हुए हैं, हमारे क्षेत्र के लिए। तो हम चाहते हैं इस बार कि हम नए चेहरे को जो कि ऊर्जा से भरपूर है और हम चाहते हैं कि उनको इस बार अपने क्षेत्र में लेके आया जाए। सवाल किया है सर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने बहुत मौके दिए हैं भाजपा कांग्रेस को, लेकिन लोगों की परेशानियाँ वैसे की वैसी बनी आ रही हैं। हमें किसी भी तरह का कोई बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है उसमें, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि इस बार नया चेहरा हमारे सामने आए, क्योंकि नए चेहरे के साथ और नई सोच के साथ ही परिवर्तन संभव है। और मैं कनक धनाई जी को देखना चाहती हूँ इस बार। हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। आज हम लोग चुंगी से एम्स और एम्स से शिवाजी नगर बापूग्राम होते हुए IDPL तक का आज का। आपको बता दें कलियर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पार्क में अमन चैन की दुआ मांगी और कहा कि आजाद समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पार्टी किसान विरोधी है और भाजपा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। BCSM इंटर कॉलेज में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक, पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता ममतेश शर्मा ने पूजा अर्चना और मंत्रों के साथ मां सरस्वती का आवाहन किया।
आपको बता दें इस अवसर पर मनोहर लाल शर्मा ने कॉलेज के विकास की कामना करते हुए साथ ही छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं दिल्ली सरकार के डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान लालकुआ क्षेत्र के प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे का प्रचार करने लालकुआ पहुंची और साथ ही डिप्टी स्पीकर ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। विधानसभा ही नहीं पूरे उत्तराखंड देवभूमि में बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी अलग अलग आंदोलनकारी संस्थाओं के लोग अलग अलग संगठन के लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन दे रहे हैं, पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इस आंदोलन को और इस विकल्प की राजनीति को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और आज जितने भी लोग आज यहाँ पर आज जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, आम आदमी पार्टी के परिवार में तमाम सम्मानित लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। राज्य में कोरोना के 844 मामले मिले हैं। करीब एक महीने के बाद नए मामले हजार की संख्या में कम हो रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है घटते संक्रमण के बीच भी मौत का आंकड़ा नहीं घट रहा है, जबकि बीते 24 घंटों में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी व सरकारी लैब में 17,561 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इनमें से 16,717 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि देहरादून में सबसे अधिक 204 लोग संक्रमित मिले हैं। तो ये रही उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस